जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। स्मशान में जले हुए मुर्दे की राख की भांति इस देह के परमाणुओं को अत्यंत दूर से राख के रूप में देखने वाला राख का भोक्ता कैसे हो सकता है? मैं राख का कर्ता भी नहीं और राख का भोक्ता भी नहीं। फिर भी पर्याय में पामरता के कारण इंद्रिय विषयों की लोलुपता के कारण इंद्रिय विषयों के भोगों में लिप्त रहा।
स्वयं की परिपूर्णता में तृप्ति न होने के कारण मैंने पर पदार्थों से सुख की भीख मांगी। स्वयं के परिपूर्ण आनंद घन की पहचान के बिना इंद्रियों के विषयों का गुलाम रहा। द्रव्य की स्वतंत्रता का स्वरूप तो मैंने जाना, मगर चैतन्य परमात्मा की स्वतंत्रता को न माना। हे वितरागी परमात्मा, आपने मेरे अनंत गुणों की महिमा दिखाई, मगर मेरी दृष्टि गुणों पर न गई, दोषों पर गई। और वे दोष भी अपने नहीं पराए के, यदि स्वयं के दोष पर दृष्टि जाती तो दोष से मुक्त होने का विचार भी आता। आज मेरी दृष्टि स्वयं के दोष पर गई कि मैंने अनादि से स्वरूप को भूलकर अनंत दुख भोगा है, यह मिथ्यात्व महा अपराध है। पांच पापों का भरपूर सेवन किया है, मेरी दृष्टि में पाप है, इस वजह से ही सारे जगत में अज्ञानी पापी दिखते हैं। यदि दृष्टि न्यायक देव पर हो तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टि में नहीं आता। हे वितरागी परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनता रहा। ये पुकार मुझे सुहाती, मगर भीतर में जो विषयों की वासना थी वह वासना ऐसी की ऐसी रही। ऊपर से आवरण बदल गया, मगर भीतर में वही का वही कचरा ऐसा का ऐसा ही रहा। मैं पाप से भरा हूं, वरना यहां नहीं होता। इसलिए पाप को छिपाने के लिए मैं उपाय नहीं खोजता, बहाने नहीं खोजता। इसलिए मैं पाप का प्रतिक्रमण करने आया हूं। मैंने किसी जीव को सताया हो, हिंसा की हो, मैंने झूठ बोला हो, चोरी की हो,
इसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मैंने कुशील का सेवन किया हो, अब ब्रह्मचर्य से जीवन जिया हो, इसका प्रतिक्रमण करता हूँ। अब्रह्मचर्य के जीवन का अर्थ ही मैं न समझ सका। विवाह न करने को मैं ब्रह्मचर्य समझ बैठा। विवाह न करने का नाम ब्रह्मचर्य होता? जानवरों में विवाह की पद्धति ही नहीं है, जानवरों में विवाह करने का रीत रिवाज नहीं है। यदि किसी पराई स्त्री को भोगने से अपराध होता और अनंत परिभ्रमण होता, तो अनादिकाल से निगोद में आलू के रूप में जब मैं जन्मा मरा, तब किस पराई स्त्री को मैं भोगने गया था? इसलिए वहां पर भी सबसे बड़ा पाप जो हो रहा था वह मिथ्यात्व का पाप है। उस पाप को तो मैंने दृष्टि में ही न लिया, और बुद्धि के स्तर पर जो नजर के सामने ऐसे स्थूल पापों को ही मैं देखता रहा, उसके मैंने तरह तरह के भेद जाने, सीखे, कंठस्थ किए और प्रयास किया कि एक एक प्रकार से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। सबसे अंत में छूटने वाला ये विकार, जिसको मैंने अपने नाम के आगे ही लगा दिया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, शादी नहीं की इसलिए ब्रह्मचारी हूं, जहां परम धन को परम वैभव को पाया है वहां ये व्यर्थ के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जो भी अपराध हुए हैं उन अपराधों का प्रतिक्रमण मैं सर्वज्ञ भगवान को साक्षी रख करके करता हूं। क्योंकि हे वितरागी परमात्मा, आपके अतिरिक्त और कोई साक्षी नहीं है। कुशील संबंधी अतिचार के लिए, इन दोषों के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अपरिगहिया इतर अनंग विवाह अनुरागे चौथ वयस इारे पड़िकमे देशीयम सवम। ये शब्द वंदितु सूत्र पढ़ते समय बहुत बार दोहराते गए, मगर इन शब्दों का अर्थ कभी समझा नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य को भी समझा नहीं। अपरिगहिया इतर, जिसको ग्रहण नहीं किया है, जिसको धारण नहीं किया है, जिसके साथ में शादी नहीं हुई, ऐसी जो स्त्री है अपरिगहिया, जिसमें कवारी स्त्री हो या फिर विधवा हो, ऐसी स्त्रियों के साथ में जो विशेष रूप से ये जो अनुराग है, तीव्र अनुराग, ये अनुराग का जो भाव है उसके बिना ये भोग नहीं हो सकता। राग का भाव जब अत्यंत ऐसी चरम सीमा पर पहुंचता है तब इंद्रियों के विषयों के भोग में प्रवर्तन होता है, इसलिए यहां मूल में जो भूल है वो तीव्र अनुराग की भूल बताई है। इन शब्दों में तो सीधा सा अर्थ जो होता है वो स्पष्ट लिखा है कि इतर, यहां स्पष्ट लिखा है कि इसी स्त्री जो कवारी कन्या हो या विधवा हो, अपरिगहिया हो, इतर हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य हो,
उसका अर्थ मैंने नीचे लिख दिया। दूसरों के साथ में कुछ समय के लिए रखी गई वेश्या के साथ में विषय सेवन करना, ऊपर कहीं पर भी वो वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। मूल गाथा को मैं पढ़ता हूँ और जब मैं अर्थ करता हूँ तो लोगों के कान के कीड़े बाहर निकलते कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मूल गाथा के शब्द को किसी भी प्राकृत के विद्वान के पास में ला कर के पढ़ाओ और उनसे पूछो कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। अपरिगहिया इतर अणंग विवाह व्यक्तिव अनुरागे, यहाँ स्पष्ट लिखा है कैसी ग्रहण नहीं की, अपरिगहिया अर्थात जिसके साथ में मेरा कोई रिश्ता नहीं है, शादी नहीं की, ऐसी कोई भी कवारी हो या विधवा हो उनके साथ में इतर इसके अलावा और समस्त प्रकार की, अब कुछ समय के लिए किसी ने वेश्या बनाया ये बात यहाँ है ही नहीं, इतर और अनंग अनंग विवाह तिव्व अनुरागे, ये शब्दों का भी जो प्रयोग किया है ये ब्रह्मचर्य के संबंध में ये दोष है। अनंग क्रिया ब्रह्मचर्य के जो 18,000 प्रकार के भेद हैं, उन 18,000 प्रकार के भेदों का स्वरूप बहुत गहराई से समझने जैसा है, जिसमें 17,280 ये चेतन के संबंध में और 720 ये अचेतन के संबंध में ये 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद हैं। ये जो 18,000 प्रकार के शील के भेद है, 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद, ये तो मूल भेद है, ये मूल दोष है। ब्रह्मचर्य के भेद कहो या ब्रह्मचर्य के दोष कहो, इसका सेवन करे तो दोष है, इसका त्याग करे तो गुण है। उनमें तीन प्रकार की जो स्त्री है उनके साथ में, तीन प्रकार की स्त्री के साथ में ये मूल रूप से जो प्रयोग किया है ये मुनिराज के लिए किया है। सबसे पहली बात ये चारों गतियों में सभी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें नारकी का वर्णन नहीं आता है। उसका भी गहरा कारण है, क्योंकि वहाँ नारकी में सब नपुंसक है, वहाँ स्त्री तो है ही नहीं। इसलिए यहाँ तीन गति के जीव की बात है, देव मनुष्य और तिर्यंच। देव के लिए देवी, मनुष्य के लिए स्त्री और तिर्यंच के लिए तिर्यंचिनी, ये तीन भेद ये हुए, देवी स्त्री और तिर्यंचिनी, ये तीन भेद हुए। उनके साथ में तीन प्रकार से ये संबंध करना कराना और अनुमोदना करना, उसमें भी तीन प्रकार से मन से वचन से और काया से, उनमें भी पांच प्रकार से जो पांच इंद्रियों से सुनकर के देख करके सुनकर के चक्कर के और छू करके, ये पांचों प्रकार से काम वासना को पोषण करते हैं। इसके अलावा चार प्रकार से आहार भय मैथुन और परिग्रह, और इसके अलावा दो प्रकार से द्रव्य से और भाव से, और इसके अलावा 16 प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोप अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान, ऐसे 16 प्रकार से। तो इस प्रकार से एक एक को देव देवी तिर्यंच ये तीन, फिर करना कराना अनुमोदना करना ये तीन, फिर मन वचन काया ये तीन, फिर पांच इंद्रिय ये पांच, उसके बाद में ये चार संज्ञा, उसके बाद द्रव्य और भाव, उसके बाद 16 ये कषाय, उनका एक एक का गुना करते करते ये 17,280 भेद होते हैं। ये 17,280 भेद याद रखना मुश्किल है, ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल है। इसलिए मैं खास ये कहता हूँ ये भेद इतने बताए हैं, और ये तो मूल भेद है, उसकी डिटेल में जाओ तो लाखों करोड़ों भेद हो सकते हैं। एक एक की डिटेल में जाओ तो, और एक एक की डिटेल में जाओ तो, और ये भेद शास्त्रों में लिखे हैं। इसलिए जो शास्त्रों में लिखा है मैं उसका विरोध नहीं करता, इसलिए मेरी वाणी में निकला हुआ प्रत्येक वचन जो आगम का प्रमाण होगा, तुम्हें जो लगे सो लगे, मेरे पास में प्रमाण है। इन दिनों में मैं 108 सत्संग में जो भी बोलूंगा, कोई भी एक वाक्य लेकर के आना,
आचार्य देवों ने जो शास्त्र में जो वाक्य लिखा वहां से मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। इसलिए एक एक वचन में एक एक शब्द बोलते समय मैं सावधान हूं, बेहोश नहीं हूं कि आज इस शब्द का अर्थ। इसलिए तो मैंने उस दिन का कोई भी वाक्य निकालो मैं आपको बताता हूं, मैं पूरे प्रवचन में से बताऊंगा कि कौन सा वाक्य मैं बोला और यह कहां लिखा है। हो सकता है तुम्हारे अहंकार की वजह से तुम्हें झटका लगे, मगर वो आगम की वाणी होगी और उसका प्रमाण मेरे पास में होगा। वितरागी परमात्मा ने जो 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद बताए उनके संबंध में ये जो दोष बताए उनमें देवी मनुष्य और तिर्यंच के संग में ये भोग भोगना, देवी के साथ में भी भोग भोगे, तिर्यंच के साथ में भी भोग भोगे, मनुष्य होकर के ये इन सब के साथ में भोग भोगे, ये ब्रह्म वरना ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य के चित्त में ये वृत्तियां उठती ही होगी। तुमने कभी सपने में भी न सोचा हो ऐसा, और जब मैं एक एक का इसका विवेचन करना शुरू करूं तुम्हें लगे कि ये सब बंद करो, यहां पर ये चर्चा मत करो, ऐसी बातें यहां मां बहन बैठी है क्यों करते हो? मगर ये बरसों से आगम में लिखा हुआ है और इसमें जो मूल बात है ये सब चेतन संबंधी बताए हैं। स्त्री के पास में स्पर्श करना, उसका रस चखना, उसे चूमना, उसे सूंघना, उसके पास रहकर उसकी सुगंध अच्छी लगे, उसका रंग गोरा है तो उसे देखना अच्छा लगे, और जब वो बोलती है तो उसका सुनना भी अच्छा लगे। लगता है स्पर्श इंद्री के विषय को भोगता है मगर पांचों इंद्री के विषय उस समय भोग में लगे हुए, उसकी एक एक बात जो है वो सुनाई भी दे रही है, वो दिखाई भी दे रही है, वो सूंघने में भी आ रहा है। यदि बदबू आती है तो अच्छा नहीं लगता, यदि काली है तो अच्छा नहीं लगता, यदि कुछ कहे नहीं कि तुम भोगो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लगता है मैं बलात्कार कर रहा हूं। यदि कड़वा लगे तो दूर भागे कि तेरे शरीर में बदबू आ रही है, तेरा शरीर ठीक नहीं। सभी प्रकार से पांचों इंद्रिय के विषय को भोगना जो होता है वो काम वासना में होता है, इसलिए सबसे खतरनाक है। और उससे ज्यादा खतरनाक जो है ये सब प्रकार के जो भेद उसमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये सभी प्रकार से वो साधन सामग्री को इकट्ठी करता है, भोजन भी ऐसा करता है, भोग को भी भोगता है, कोई देख न ले इसलिए चारों ओर से दीवार करके भोगता है, भय भी छुपा हुआ है, और उसके लिए पत्नी के लिए गहने लाके दे, उसके लिए जो चाहिए वो दो, परिग्रह भी इकट्ठा कराता है। मूल भीतर में वासना है, वासना की वजह से ये सब पाप तैयार होते हैं। ये 18,000 प्रकार के जो दोष है वो ऐसे ही नहीं पैदा होते। इसलिए मैंने तो ये विचार किया है, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं इन सब के सामने भी, मगर तुम्हें झटका लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें एकांत में बैठ करके ये सब का भेद बताऊंगा कि देखो ये क्या क्या लिखा है। संकुल की मर्यादा अभी रखता हूं, आचार्य देव संकुल में बैठ करके नहीं लिखते थे, वो जंगल में थे, भगाएगा तो भी कहां भगाएगा, जंगल में पहले से ही है, मगर इसका विवेचन मैं करूंगा, ये करूंगा, क्योंकि मनुष्य के चित्त में ये जो वृत्ति है काम वासना की, इतनी जो वृत्ति है ये मैंने नहीं पैदा की, ये बरसों से चल रहा है, और इसमें जो तरह तरह के जानवरों के साथ में ये वृत्तियां पहले से चलती थी, आज की नहीं है। पश्चिम के देशों में जानवरों के साथ में कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ भोग भोगते हैं, वो आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी है, ये भारत की संस्कृति में लिखा है, ये पश्चिम की संस्कृति नहीं है। ये खजुराहो के मंदिर कोई अमेरिकन बनाने नहीं आए थे, खजुराहो के मंदिर में जो दृश्य देखो कि गधे के साथ में, बकरी के साथ में जो भोग भोगते हैं मनुष्य, वो किसने बनाए थे? वे भारतीय थे, कोई परदेसी नहीं थे। इसलिए ये सबका राज मैं खोलूंगा। खजुराहो के टेंपल में तुम देखो, इंटरनेट के ऊपर सब तस्वीर को देखो, मूर्तियां बनाई गई है कि जानवरों के, और सदियों पुरानी, ये कौन बनाने आया था? ये सब लिखा है, वो इसलिए लिखा है उस समय ये होता होगा, वरना लिखा क्यों? इसलिए कभी कभी बहुत सी बातें सत्य होती है मगर चुप रहने में भलाई लगती। बाकी एक एक बात का यदि खुलासा करने बैठो कि हे वितरागी परमात्मा, इन सबके साथ में मैंने क्या किया है,
आहार भय मैथुन परिग्रह पांचों इंद्रिय द्रव्य से भी भाव से भी कल्पना से भी और भीतर में इतनी वासना थी, इतनी वासना थी, इस वजह से ही तो ये कपड़े की जरूरत पड़ी। वासना के कारण कपड़े की जरूरत पड़ी कि बीच बाजार में निकलू वासना यदि उठे तो पता न चले दुनिया को कपड़े रखो। मुनि को कपड़े की जरूरत नहीं है क्योंकि वासना ही नहीं है, भय किसका, शरीर जैसा है ऐसा है। अब विकार ही जब नहीं उत्पन्न होता तो ढांकने की जरूरत कहां पड़ती है, ये वासना को ढकने के लिए देह की जरूरत है। और शरीर के एक एक अंग के बारे में यहां जो वर्णन किया, ये सब ढका हुआ है, ब्रह्मचारी बोलते ये चर्चा मत करो, मगर ये भेद मैंने पैदा नहीं किए, ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं, इसलिए इसका भी मैं राज तो खोलूंगा। मनुष्य के चित्त में जो वृत्तियां पड़ी है वो वृत्ति कैसे है, यदि अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति बीच के अंदर जाता चलता है, वहां पर इतने लोग यूरोप में अमेरिका में बिना कपड़े के घूमते हैं, मैंने नजर के सामने ऐसे लोगों को जाते आते ऐसे ही देखा है और कोई देखता भी नहीं, ऐसे नजर जाए हमें लगे ये क्या, मगर कोई उसकी ओर देखता भी नहीं, देखता भी नहीं। और यहां पर भारत में यदि कोई स्त्री साड़ी पहनकर जा रही है और कीचड़ है, थोड़ी साड़ी ऊंची उठाई क्योंकि गंदी ना हो कि लोगों की नजर तुरंत पैर पे जाएगी, और थोड़ी उठा, वहां पर चड्डी पहन के घूम रही है, यहां पर साड़ी थोड़ी उठाई तो नजर जाती है, वहां क्यों नहीं गई, क्योंकि जितना ढका है उसमें व्यक्त होता है, उसका मजा आता है। इसलिए शादी करने से पहले लड़की में बहुत रुचि थी, शादी के बाद में वो प्रेम नहीं रहता जो पहले था, क्योंकि देख लिया अब ढका क्या, अब वो रस नहीं रहता जो पहले ढके हुए में था। इसके पीछे बहुत मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ये मनुष्य की चित्त की वृत्ति के लिए। एक एक अंग के बारे में यहां पर शब्द लिखा है अनंग, ये शब्द मैंने नहीं लिखा, इसलिए मेरे पर दोष मत डालना कि सत्संग में ये क्यों कहा, सीधी बात कह देता हूं, यहां ये स्पष्ट लिखा है अनंग। अनंग क्रीड़ा जो करते हैं उसके बदले में मैं प्रतिक्रमण करता हूं। शरीर के ऐसे ऐसे अंगों पर विशेष ध्यान क्यों गया, पुरुष का ध्यान यदि जाता है तो स्त्री के स्तनों पर क्यों जाता है, उसकी यौनी पर पहले नहीं जाता, उसकी रुचि ही नहीं है, सामने से कोई भी स्त्री आएगी तो स्तनों पर ध्यान क्यों जाता है, यौनी पर क्यों नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य का जो पहला खुराक है वो खुराक माँ का दूध है, स्तन है, उसकी रुचि इतनी हो जाती है कि वो दृष्टि में से जाता नहीं। वासना का उससे बहुत गहरा संबंध है, जो मैं विगन होने के लिए कह रहा हूं उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, दूध पीना त्याग करना ये महत्वपूर्ण कारण है। अनंग क्रीड़ा कि ऐसी क्रीड़ा करना कि जो अंग से नहीं भोगी जाती हो, ऐसी क्रीड़ा करना, ऐसे ऐसे शरीर के अंगों को बुरी तरह से ऐसे भोगना, जो शरीर का मुंह है, मुंह भोगों के लिए बना ही नहीं है, मगर उसको सेक्स के लिए वासना के लिए, उसको कहते हैं अनंग क्रीड़ा। यौनी यौनी का संबंध ये ठीक है, ये अंग है, मगर हाथ है वो लिंग को पकड़ने के लिए नहीं बना, मुंह है वो लिंग को पकड़ने के लिए नहीं है, ये अनंग क्रीड़ा है, उसको यहां पर वंदितु सूत्र में अनंग शब्द कहा है, अनंग क्रीड़ा। नीचे उसका शब्द का अर्थ किया है, इसको पढ़ते हैं, यहां स्पष्ट लिखा अनंग विवाह तीव्र अनुरागे, अनंग क्रीड़ा करना, अनंग क्रीड़ा भिन्न अंगों से क्रीड़ा करना, भिन्न अंग, अंग भिन्न नहीं है, अंग तो एक है भोग का, मगर विभिन्न अंगों से क्रीड़ा करना यह ब्रह्मचर्याणु व्रत का अतिचार है, यह दोष है। जिन्हें यह व्रत होता है यह इन क्रियाओं से छूट जाते हैं, सीधा सा भाव यह है। अनंग विवाह तीव्र अनुरागे, और यह सबसे खतरनाक, मगर जब तक इतनी वासना भरी पड़ी हो तब उसको यह स्वीकार ही नहीं हो पाता। वासना शब्द सामने आते ही इतना डर लगता है, इतना डराया गया है वासना की वजह से, डराया गया है, बहुत ज्यादा डराया गया है। और उसका मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बताऊं, कहते हैं कि मनुष्य यदि पुरुष स्त्री को भोगता है तो उसके वीर्य की जो रचना होती,
एक बार वीर्य भोग भोगने के लिए 40 बार का जो खाना वो खाता है 40 दिन का, वो खाना जब इकट्ठा होता है तब जाकर के एक बार भोग भोगता है, ऐसा लिखा है एक जगह। इसलिए तुम शरीर की शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद मत करो, उन्हीं शक्ति का उपयोग करके कल ये साधना में काम में आएगी। 40 दिन का भोजन एक भोग में खत्म हो जाता है, ये बात भी सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठी बात है, ये सच नहीं है, भले लिखी हो मैं नहीं मानता। 40 दिन का भोजन, आज के इस युग में कोई भी मनुष्य यदि भोग भोगता है और स्वस्थ व्यक्ति है और उसका 60 से 80 साल का आयुष्य है तो भी अपने जीवन में यदि वो भोग भोगे तो 4000 बार भोग भोग सकता है पूरे जीवन में। शरीर की आज की शक्ति ऐसी आज के लोगों में, अब 4000 बार भोगों को वो भोगेगा तो एक भोग के लिए 40 दिन का खाना चाहिए, तो 4000 भोगों को भोगने के लिए उसको 436 साल चाहिए, जो 436 साल है ही नहीं, वो तो इतने सालों में ही खा करके बना है। इसलिए ये भी डराने के लिए इतना डराया कि तू एक बार भोग भोगा 40 दिन का खाना चला जाएगा। मैं डरा करके सत्य नहीं बताता हूं, मैं कहता हूं कि चैतन्य में इतना मस्त रहे कि यह विकल्प ही चला जाए। तू इतने दिन के खाने को बर्बाद कर रहा है, यह मैं नहीं कहता, और मैं तो हर एक चीज को परीक्षा से मानता हूं। यहां लिखा है 40 दिन का, तो मैंने काउंट किया, फिर मल्टीपल किया, फिर डिवाइड किया, तो पता चला कि यह तो झूठी बात है। मैं परीक्षा से प्रमाण करता हूं, आज तक ऐसा हुआ। सुकरात के जमाने से ये बात चलती आई कि स्त्रियों के दांत पुरुष के दांत से अधिक होते, सुकरात ने भी लिखा स्त्रियों के दांत पुरुषों के दांत से अधिक हो, तब से ये कहानी चल रही, मगर किसी ने गिने ही नहीं, एक से होते। सुकरात की खुद की पत्नी थी, दो दो थी, गिने ही नहीं। एक बार गिन लेता कि ये जो कहावत चली आ रही है देख लेते हैं क्या है, सच का सच हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसे आंकड़े को, तो आंकड़ा शास्त्री, जब भी अंक की बात आती है तब तो गणित लगा देता हूं, ये गणित बिल्कुल झूठा है। हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी में मैंने क्या क्या है, और इसमें आगे लिखा है अनंग, उसके बाद विवाह। विवाह शब्द लिखा हुआ है और मैंने नीचे उसका अर्थ किया, अपने बेटे का और बेटी का, पुत्र पुत्री के अलावा दूसरे के विवाह करने चाहे, खाली विवाह लिखा है। ये जो अर्थ इसके जो होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये जो 11 प्रतिमा होती है जो पांचवें गुणस्थान में होती है, ये व्रत भी पांचवें गुणस्थान में होते हैं, अपनी अपनी भूमिका में किस प्रकार से वो विरक्त होता है। सबसे पहले दूर से विरक्त होता है, फिर अपने बेटों से भी विरक्त हो जाता है, फिर स्वयं इतना विरक्त हो जाता है अपनी पत्नी तक को छोड़ देता है। अनंग विवाह अनुराग है, यह स्पष्ट ऐसा है। और ये यहां कब लिखा, यहां आई बात कहां से, तीर्थंकर भगवान की वाणी से ही, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ये सब चर्चा होती थी, नहीं तो ये आया कहां से। भगवान की दिव्य ध्वनि में कुछ भी नहीं छूटा, जब तीन लोक और अलोक का वर्णन आया तो ये भी कैसे बचेगा, पुत्र पुत्री के अलावा दूसरे के विवाह करने, पहले यहां से छूटे फिर अपने से भी छूटे। तीव्र अनुरागे, तीव्र अनुराग से, ये अब्रह्मचर्य का सेवा, इसमें भी जो पहले के समय में ऐसा होता था, से बाल विवाह होता था, पर्दा प्रथा होती थी, वो पर्दा प्रथा भी मनुष्य के चित्त की विकृति थी, स्त्री का चेहरा छुपाना था। अब घर में ही रहती है, ससुर की सासरानी लाज, जेठनी लाज, ये जरूरत क्यों है, देवर की नहीं जेठ की, ससुर की, चाचा ससुर,
मामा ससुर, ये क्यों जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ससुर की भी वृत्तियां इतनी थी कि उसको देख करके बुरे भाव आए। जब कार्तिकेय मुनि का जन्म हुआ, जब पिता ने अपनी बेटी को भोगा और बच्चे का जन्म हुआ, तो बहू के प्रति क्यों न भाव होगा? फिर बेटे की बहू हो, भाई की बहू हो, इसलिए यह पर्दा उसके लिए था। ये तो आज के जमाने में निकल गया, मगर उस समय ये सब वृत्तियां उठती होगी, इस वजह से तो इसको दूर रखा। ऐसा नहीं है कि स्त्री को चेहरा नहीं देखना है, वो पर्दे के पीछे सब देखती है, कौन सास है, कौन ससुर है, कौन जेठ है, सिर्फ दूसरों को नहीं दिखाती। पति के लिए पर्दा नहीं डालती, सास के लिए पर्दा नहीं डालती, और देवर के लिए भी पर्दा नहीं डालती, जेठ के लिए। और यदि कुछ कुछ जगह पर तो अभी भी है, यदि वो पता चले कि वो उसकी भी उम्र ऐसी जवान हो गई है, उससे भी दूर रहती, पर्दा डालती है। झारखंड और बिहार में आज भी ऐसा कुछ समाज है जिनको मैं पहचानता भी हूं। कहने का अर्थ यहां पर कि मनुष्य के चित्त में इतनी मलिनता थी, इस वजह से ही ये सब अलग अलग आश्रम, अलग अलग की व्यवस्था क्यों हुई? आरजी का अलग क्यों रहती है और मुनि अलग क्यों रहते हैं? इसी वजह से मुनियों का अलग आश्रम है, श्राविका का अलग है, आरजिका का अलग है। गौतम बुद्ध ने भी अपने समय में भिक्षुक और भिक्षुणी को एक साथ में रहने का मना किया था और सेवा करने का भी मना किया था। बहुत सी कहानी आती है बौद्ध ग्रंथों में, मगर उन कहानियों में मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ऐसी वृत्तियां सेवा कर सकती है यदि कोई स्त्री भिक्षुक बीमार हो तो, ये भी मना कर दिया, सेवा भी नहीं कर सकते। इतना सिर दर्द होता हो तो भी सिर नहीं दबाएगी, क्योंकि आज सिर दबाएगी तो कभी कल ऐसा होगा कि उसको यदि पता लगा कि ये सिर दबाती है और उसको छूना है तो नाटक करके लेट जाएगा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सिर दबा दे। ये सब वृत्तियां उठेगी, इसलिए भिक्षुणी को दूर ही रखा और भिक्षुक को दूर रखा। नगर ये उपाय नहीं था, उपाय तब तक नहीं है जब तक भीतर में ऑपरेशन नहीं है। इसलिए तो कहा द्रव्य से रोकोगे, भाव से कहां रोकोगे? जब भी भोग शुरू होता है तो विचार करना, उसको तो देखते ही नहीं। शुरुआत जिस भोग से होती है, कितनी न जाने जाने कितनी कितनी स्त्रियों को यहां भोगता है पत्नी को, चित्त में कोई दूसरी स्त्री चल रही है, यहां अपनी पत्नी को भोगता है, वहां कोई हीरोइन चल रही है, कल्पना में ऐसा होता है। और जब भोग का अंत होता है तब पता भी नहीं चलता कि शुरुआत कहां से हुई थी, इतना चक्कर काट करके आया होता है। इसलिए सबसे ज्यादा बेहोशी भोग के काल में है, और बेहोशी के बिना भोग भोगा ही नहीं जा सकता। इसलिए तो पश्चिम के देशों में शराब पीकर के भोग भोगते हैं, क्योंकि जितने बेहोश हो जाओ शराब पीकर उतना भोग का मजा आएगा, जागा हुआ भोग का मजा नहीं ले सकता, वो भेद ज्ञान करता है, आनंद कैसे लेगा? जागा हुआ व्यक्ति तो उससे मुक्त होने के लिए अंदर में भावना भाता है, समझता है उसे आग की तरह ये भोग लगते हैं। हे वितरागी परमात्मा, इसके संबंध में मैं कितना कहूं, कम है। चेतन के संबंध में अभी तो जड़ की तो बात ही नहीं की, जड़ स्त्रियों के संबंध में भी कठोर स्त्री, कोमल स्त्री, चित्रपट वाली स्त्री, ये तीन प्रकार की स्त्री से भोग भोगता है। कोमल हो या कठोर हो या चित्रपट हो, करके करा के अनुमोदना से, मन से और वचन से, काया से नहीं, क्योंकि असल में वो है नहीं। कोमल और कठोर, ऐसी दो प्रकार की अचेतन स्त्री,
कोमल स्त्री का मतलब स्त्री का पुतला हो, जो कपड़े का बना हो, रुई का बना हो, उसके साथ भोग भोगना, वहां स्त्री नहीं है, मगर वहां पर अचेतन या फिर पत्थर की स्त्री हो, लकड़ी की स्त्री हो, उसे कठोर स्त्री कहते हैं, या फिर स्त्री का चित्र हो, नग्न चित्र को देख करके, तो उसको भोग के, ये तीनों को अचेतन स्त्री, कठोर, कोमल और चित्रपट करके करा के अनुमोदना से, मन से, वचन से, पांचों इंद्रियों से और चारों प्रकार के आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इस प्रकार 720 17,280 सेटिंग भी ऐसा हो जाता है, 17,280 प्लस 720 18,000 प्रकार के, ये जो ब्रह्मचर्य के भेद कहे हैं। इसलिए आज ब्रह्मचारी होने की बहुत जल्दी मत करना। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहता हूँ, मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि जो तुम भोग रहे उसमें तुम विचार करो, गहरा विचार करो, जितना तुम विचार करके अपने को, ये कच्चे घड़े को पकाओ और दृढ़ करो, फिर तुम्हें एहसास होगा, फिर वो दमन नहीं होगा, वो संयम होगा, फिर वो सप्रेशन न होगा, वो डिस्ट्रक्शन होगा, मगर अंतर से विचार करते हुए, भेद जानते हुए उस समय भी। इसलिए तो मैंने ये कहा था, मुर्दे पर जैसे मुर्दा हो, एक चिता के ऊपर दूसरी चिता हो और चैतन्य कहीं पर भी ना हो, ऐसा विचार चले, चित्त में कल्पना में चल रहा है मगर पता ही नहीं, कल्पना में ही तो पाप है, वहां सामने तो कुछ भी नहीं। शादी करके गोरी पत्नी को लेके आया था, भोगा तब भी दिखता ही नहीं है, गोरी है या काली है, अंधेरा है, मगर चित्त में जो विकल्प है, उस विकल्प के कारण ही तो पाप है, वहां तो देखता भी नहीं है गोरी या काली। ऐसे गहरे गहरे कारण इसके अंदर बताए हुए, छुपाए हुए और तुमसे भी बहुत छुपे हुए हैं, इसके एक एक के भेद। चौथ वयस इआरे पडिक्क में देशियम सव्वम, ये चौथे व्रत के प्रतिक्रमण के करके मैं अब वापस लौटता हूं। अब पांचवा अतिचार है परिग्रह का। परिग्रह के संबंध में मेरे जो अपराध हुए हैं, इत्तो अणुवये पंच मम्मी आय री परिमाण परिच्छेय इत्थ पमायप संगेणम, उसके बाद अप्रशस्त भाव में बरतते हुए परिग्रह की जो परिमाण है उसका उल्लंघन कर दिया, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, उसको अतिचार कहा, परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह का परिमाण, लिमिट रखी, परिग्रह की लिमिट लोग ले लेते हैं, पहले तो परिग्रह का स्वरूप ही नहीं समझे। मेरे कमरे में दो बोतल है तेल की, एक बोतल बड़ी है, एक बोतल छोटी है। अब छोटी बोतल में एक बार तेल डाला जा सके उतना तेल है, बड़ी बोतल पूरी है। अब मैंने इनको बोला कि तेल ले लो, उन्होंने तेल लिया। अब तेल लिया छोटी बोतल में लिया, मतलब बड़ी में से लो, बोले ना इतना ही जरूरत है, छोटी में से ले लेती इसके लिए, क्योंकि छोटी बोतल खाली हो जाएगी, उतना परिग्रह कम होगा। अब परिग्रह का मतलब ही नहीं पता कि बोतल खाली हो जाए फिर वो परिग्रह क्यों रखना है। अकाउंट में लाखों रुपये करोड़ों रुपये पड़े, ये बोतल घर में रह जाएगी तो परिग्रह छोड़ दो। ये परिग्रह परिमाण व्रत के धारी आपकी जय हो। ऐसे ही तो जय जयकार बुलाया गया है, आज तक हुआ क्या है। परिग्रह व्रत के और परिग्रही व्रत के धारी की जय जयकार हो। हे वितरागी परमात्मा, परिग्रह का परिमाण लेकर मैंने उनका उल्लंघन किया, वो तो परिग्रह का परिमाण लेकर के उल्लंघन, मगर परिग्रह का परिमाण लू कैसे। सबसे बड़ा परिग्रह तो मिथ्यात्व है, उसका परिमाण क्या लू, थोड़ा रखूंगा थोड़ा छोड़ता हूं,
इसलिए मिथ्यात्व परिग्रह का परिमाण नहीं हो सकता। ये जो परिमाण है उसके लिए यहां आगे कहते हैं, धन धन्य खित वत्थु रूप सुवन्ने अकुविय परिमाणे दुपये चवुपयम्मी चपड़िकमे देशीयम सव्वम। धन धन्य खित वत्थु, धन धान्य खेत और मकान, रूप सुवन्ने रूपा या सोना, अकुविय परिमाणे इसके अलावा जितनी भी धातु की वस्तु है उन सभी में उनका परिमाण की यहां पर बात है, उनका परिमाण। और आगे दुपये चवुपयम्मी, दो पैर वाले और चार पैर वालों का जो परिग्रह मैंने रखा, दो पैर और चार पैर वालों का परिग्रह मैंने रखा, उसके लिए मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। दो पैर वाला माने दास और दासी, नौकर चाकर, इसे भी परिग्रह कहा। धन धान्य दास दासी, मकान क्षेत्र बर्तन वस्त्र, ये तो ये जो परिग्रह के भेद कहे। और चार पैर वाले में ये गाय भैंस ऊंट घोड़ा, ये सब पहले के जमाने में इसे पशुधन कहते थे, उन्हें परिग्रह कहा। दो पैर वाले और चार पैर वाले, वास्तव में मनुष्य भी चार पैर वाला है, दो पैर वाला नहीं है। आगे के दो हाथ है वो पैर है, वो पैर ही है, हाथ नहीं है, ये पैर है, ये तो नाम दिया हाथ, ये पैर है। क्योंकि जैसे जानवर चार पैर से चलता है, मनुष्य दो पैर से चलता है, मगर हाथ क्यों हिलते हैं? जब हम चलते तब हाथ क्यों हिलते हैं? इसकी जरूरत क्या है? मगर ये पैर है। जानवरों के जो आगे के पैर है वो जमीन को छूते हैं, हमारे जो पैर है वो आकाश में चलते हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी। मगर वृत्ति जो चार पैर वाली है वो मनुष्य में भी ऐसी ही रही है, और उसमें भी ऐसा है कि इस हाथ को आगे ले जाओगे तो ये पैर आगे आएगा, इसको ले जाओगे तो जानवर की तरह ही ये मनुष्य का चलना। इन ते न्यारी है जीव चाल, इनसे न्यारी जीव की चाल है, जो जानता देखता ही है और कुछ नहीं करता। दुपये चवुपयम्मी च पड़िकमे देसी अम सव्वम। और आगे कहते हैं, गमनस्य उ परिमाणे दिशासु उठम अहे अतिरियम च। जो छठा व्रत है उसके बारे में ये भी समझने जैसा है, इसके बारे में भी बहुत भ्रम है, उन भ्रम को भी मैं दूर करके रहूँगा अपने में से, परायों में से तो मैं झंझट में ही नहीं पड़ूंगा। हे वितरागी भगवान, अब मेरे जो दोष है इन दोष से मैं छूटने के लिए ये अब आगे प्रतिक्रमण करता हूँ। गमनस्य उ परिमाणे, आना जाना जो है उसका परिमाण लिया है, और वो कहाँ? दिशासु उठम अहे अतिरियम च। तीन प्रकार की उड्ढम, अहे अतिरियम, ऊपर की, नीचे की और तिरछी, ये तीन प्रकार से, ये तीन प्रकार से मैंने जो मर्यादा रखी है उसके अतिरिक्त मैं कहीं उस सीमा का भंग न करूं। इसे दिग्व्रत कहते हैं, दिशा का व्रत, कि मैं पूर्व में जाऊँ तो इतना, पश्चिम में जाऊँ तो इतना, ये मर्यादा यहाँ आ जाती है, मैं इससे पार न जाऊँगा। जैसे अब कोई मर्यादा ले ले कि मैं सात समंदर पार नहीं जाऊँगा, मैं परदेश नहीं जाऊँगा, मैं विमान में नहीं बैठूँगा, मगर अंदर से भाव से, भाव से इनके भी गहरे जो कारण है कि जैसे जैसे आत्मा का उपयोग सिमटने लगता है ऐसे ऐसे देह की क्रिया भी जो है उसमें भी अब मर्यादा आने लगती है, वो भी सिमटने लगती है। अब वो अपनी क्षेत्र को अपनी सीमा से बाहर अब वो भटकेगा नहीं। और एक समय जब ऐसा आता है कि तब तो फिर मुनि धर्म अंगीकार करता है, उस समय तो गृहस्थों से भी वो दूर चला जाता है। इसलिए ये कहा, मट्टी सही अंतरद्धा पढ़ मम गुणम वये निंदे।
मैं उन अतिचारों की निंदा करता हूँ जो पहले गुण व्रत के पडमम गुण वये पहले गुण व्रत के संबंध में है, जिसमें मैंने दिशा संबंधी व्रत का जो नियम लिया है उसका मैं उल्लंघन न करूं। जाने में फर्क क्या है, उसमें भी बहुत फर्क है। यदि तुम्हारी दिशा का परिमाण हो गया तो उसके आगे तुम्हें जाने के लिए पहले तो धन की ज़रूरत नहीं है, उस संबंधी विकल्प भी तुम्हारे और भी घटते जाएंगे। उस प्रकार के तुम्हारे मानो कि तुम नियम ले लिया है कि इस दिशा में मैं इतना ही जाऊँगा, आगे किसी की शादी है, किसी का जन्म हुआ, किसी का मरण हुआ, कोई पार्टी रखी, अब मेरी प्रतिज्ञा है, तो उन विषयों से मैं ऑटोमेटिक बच जाता हूँ, व्यर्थ के विखवाद से मैं बच जाता हूँ। जितना हो सके ऐसे नियम से बचने में भलाई है। अंत में ये कहते हैं, मध्यमी अमनसमी अपुष्पे अफले अगंध मले वो भोग परिभोगे बियम्मे गुणवये निंदे। इसका भी भाव तुम्हें चौंका देने वाला है। जब ये सुनो, स्पष्ट लिखा है, मध्यमी अमनसमी अपुष्पे अफले अगंध मले मदिरा, मंजमी शराब, मदिरा मांस, मदिरा मांस, पुष्प फूल फल, बराश फूलों की माला, इन सभी को एक श्रेणी में रखा है। ये मैंने नहीं लिखा, ये भाव प्रतिक्रमण के वंदितु सूत्र का ये 20वां सूत्र, ये मैंने नहीं लिखा, ये स्पष्ट लिखा है। और उसका क्या एक समान बताकर क्या लिखते हैं, मज्जमी अ मनसमी अ पुष्पे अ फले अ गंध मले अ, मदिरा हो, मांस हो, पुष्प हो, फल हो, और उनके कुछ प्रकार की ऐसी गंध हो, पुष्प की माला हो, फूलों की माला हो, उपभोग के संबंध में ये जितने भी पदार्थ के नाम बताए, ये गुण व्रत के नियम है, ये श्रावक के नियम है। श्रावक इन सब का त्याग करता है, भोग का त्याग करता है, उपभोग का त्याग करता है, उसका त्याग करता है श्रावक। इसका मतलब यह हुआ, पहली बात तो यह कि इन सब को एक श्रेणी में रखा, इन सब का त्याग करता है अर्थात इनके संबंध में ऐसे ऐसे प्रकार के अभक्ष कहे, मध्य मास मधु और पांच उदंबर फल, फल को भी मध्य मास मधु में रखा है, यहां तो फूल को भी कहा उसी श्रेणी में रखा कि मैं उनके भोग उपभोग का त्याग करता हूं, यहां तो अच्छे से अच्छे फूल को लेकर के आओ और भगवान को चढ़ाओ, यह कहां लिखा, यह स्पष्ट लिखा, भोग उपभोग उनका मैं त्याग कर देता हूं। और जिसमें जब पता है इतनी हिंसा हो रही है तो वह फिर भगवान को कैसे चढ़ाए जा सकते, यहां स्पष्ट लिखा कि मैं इन सबको एक श्रेणी में देखकर उनका उपभोग करता हूं बंद, उनका भोग बंद करता हूं, मैं अब इनसे विरक्त होता हूं, मैं वापिस लौट जाता हूं। हे वितरागी परमात्मा, ये जो शब्द है, ये शब्द इनके अर्थ को मैंने समझा ही नहीं, सिर्फ बोलता गया हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और इस सत्य को जब मैं कहता हूं तब मैं बदतमीज लगता हूं,
कैसी कैसी बातें कर देते हैं। मगर ये सब जो यहाँ लिखा है, इसलिए मैं फिर से आपसे कहता हूँ, दोबारा नहीं बार बार कहता हूँ, इतने दिनों में आपने जो भी शब्द सुने उनमें से एक भी शब्द आपको बुरा लगा हो तो भले लगा हो माफी नहीं मांगता हूं, भले लगा हो, क्योंकि वितरागी भगवान के वचन मैं बोलूं और उसकी माफी मांगू माने मैं भगवान से कहता हूं आपका वचन ठीक नहीं है। यह हरेक वचन में आगम का प्रमाण है, इसलिए किसी को बुरा लगा हो तो तुम्हारा अज्ञान है। भावना पाता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम भी वितरागी परमात्मा के स्वरूप को, उनकी वाणी को समझो। हे वितरागी परमात्मा, आप ही मेरे लिए शरणभूत है, धन्य हूं मैं, आपने यह सत्य समझाया। अब मैं आज से अपने को धर्मी मानना बंद करता हूं, आज से मैं अपने को धर्मी मानना बंद करता हूं और स्वीकार करता हूं कि धर्मी की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन